गाइस, तो ये जो आपने आर्टवर्क देखा इसमें मैंने सबसे ज़्यादा टाइम लगाया आज तक। इससे ज़्यादा टाइम मैंने आज तक किसी भी आर्टवर्क पे नहीं लगाया, और सबसे ज़्यादा दिन मैंने इसी पे लगाए हैं जो कि आपको मैंने पहले भी वीडियोस में दिखाया था। जब मैंने इसको स्टार्ट किया था तो काफ़ी दिन लगा दिए मैंने, और एक रफ पेपर पर मैंने इसको ड्रॉ किया। रफ पेपर पर ग्रेफाइट का सबसे ज़्यादा यूज़ किया मैंने, चारकोल का ओनली हेयर में यूज़ किया है। और इसकी मैं कंप्लीट वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं कर पाया, क्योंकि जितनी मैंने रिकॉर्ड किया ना उतनी 100 GB की हो गई थी, तो उसके बाद मैंने रिकॉर्ड ही नहीं की। मैंने सोचा लास्ट में थोड़ी बहुत वीडियो दिखा दूंगा, तो उसके लिए सॉरी कहना चाहूँगा। आने वाली वीडियोज़ में मैं और भी ट्राई करूँगा इस तरह की आर्टवर्क स्टोर करने की। काफ़ी लोग मतलब सजेशन देते हैं कि ओल्ड मैन ओल्ड वुमेन उनके हाइपर रियलिस्टिक ड्राइंग्स बनाओ, जो कि जिनकी झुर्रियाँ होती है फेस पे। तो डेफिनेटली मैं जल्दी आने वाली वीडियोज़ में बनाऊँगा, या फिर फेस पे वाटर का टेक्सचर किस तरह से ड्रॉ कर सकते हैं, तो इन सब पे मैं जल्दी ही वीडियो बनाने वाला हूँ। इस पर भी काफ़ी लोग मुझे कंपेयर कर सकते हैं, जो भी बड़े आर्टिस्ट हैं उनको देखते हो आप कि वो कितना हाइपर रियलिस्टिक ड्रॉ करते हैं। वो काफ़ी टाइम लगाते हैं, काफ़ी एक एक महीना लगा देते हैं वो एक आर्टवर्क को ड्रॉ करने में। तो मैं भी धीरे धीरे जाऊंगा, अभी मैं इतना मतलब नहीं हूँ मैं धीरे धीरे। तो इस आर्टवर्क में देख सकते हैं आप काफ़ी ज़्यादा इंप्रूवमेंट आया है, काफ़ी लोगों ने इंस्टाग्राम पे भी अप्रिशिएट किया था, तो उसके लिए थैंक यू सो मच। आने वाली वीडियोज़ में और ट्राई करेंगे, और जो भी मेरा एक्सपीरियंस होगा सब आपके साथ जरूर शेयर करूँगा, और बीच में जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें होंगी मैं आपको जरूर बताऊँगा, और उसकी रियल टाइम वीडियोज़ भी अपलोड करूँगा। सो गाइस स्टे कनेक्टेड। आई होप ये वर्क आपको अच्छा लगा होगा मेरा। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। मैं ऐसी और वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहूँगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।